हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक और नई जगह। ऑब्वियसली अगर दिल्ली आए हैं तो ऐसी जगहों पे नहीं घूमा तो क्या घूमा है ना। तो देते हैं आपको एक लुक। हम लोग यहाँ आए हैं आज सफदरजंग टॉम। मेरे घर से ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का रास्ता है, बट मैं यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड आई एम कमिंग हेयर। रात के टाइम पे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। बट यहाँ पे टाइमिंग है मॉर्निंग आई बिलीव 10 o'clock to 5 अभी समर्स के टाइम पे। विंटर्स का शायद से ऑफ कोर्स चेंज होता होगा यहाँ पे टाइमिंग। हाँ भाई बच्चों, आर यू एंजॉयिंग? लेट्स हैव फोटो सेशन देन। चलो लेट्स गो। अच्छा तुम लोग पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके हो? तुम आ चुके हो? फर्स्ट टाइम? मेरा भी फर्स्ट टाइम। और एंजू का भी फर्स्ट टाइम है। वेयर इज एंजू क्लिपी? एंजू वेयर इज योर क्लिपी? बाय बाय। मुगल आर्किटेक्ट मुझे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड लगता है। बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने जो इसको बनाया है, मतलब उस टाइम पे लोगों का इतना माइंड होता था, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है या फिर डेवलप किया है, जो भी बोल सकते हैं, मुझे अभी वर्ड्स नहीं याद आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया है एंड ये दिखाता है और दर्शाता है कि जो मुगल एम्पायर था वो कितना पावरफुल था, कितना स्ट्रांग था। इतने टाइम उन्होंने यहाँ पर राज किया है। अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, शाम के 4 बज रहे हैं जब हम लोग यहाँ पे आए हैं। एंड दिस इज़ रियली वन ऑफ द प्लेस टू कम इफ़ यू आर कमिंग टू दिल्ली। और मैंने पढ़ा था यहाँ पे आने से पहले कि जो मुगल टाइम के जितने भी गार्डन्स हैं, ये उतना जितना वास्ट नहीं है, जितना बड़े होते हैं नहीं है, बट स्टिल बहुत सुंदर है। दिल्ली में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, मैं ऑलमोस्ट हर मॉन्यूमेंट में गई हुई हूँ। बहुत ही मतलब मुझे ना ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा लुभाती हैं, बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। मुझे बहुत पसंद है उन चीज़ों को देखना एंड उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना। मोर ओवर मैं इमेजिनेशन मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, मैं देखती हूँ कि उन्होंने कैसे बिल्ड किया होगा, कैसे वो रहते थे। Inju, are you enjoying? Aha! Inju's enjoying. Oh my god, she's giving flankish. Woo. दिल्ली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट लेती है इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज़
ऑफ कोर्स ये इतने पुराने हैं, ये बिल्ट हुआ था 1700 सेंचुरी में, मैं एग्जैक्ट डेट आपको देखकर बता दूंगी, उस टाइम से अभी भी ये इतना बना हुआ है। तो मेंटेनेंस ही है ना हमारे गवर्नमेंट की जो मेंटेन करती है इसको बनाने के लिए। अच्छा तो मैं आपको ये बता रही थी कि ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसे जगह जाकर ना, ऐसे मॉन्यूमेंट्स को देखकर, जैसे कि राजा महाराजा, जितने भी मुगल शासक, जितने भी मुगलों ने यहाँ पे राज किया है, किस तरीके से वो लोग रहते थे, कैसे यहाँ पे जश्न मनाए जाते थे, जितने भी आप मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे ना, आप ये देखकर आपको ये पता चलेगा। एंड देखिए ये हमारी हिस्ट्री है और इसे जानना तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, नॉलेज के लिए भी और वैसे भी। उस टाइम पे इतना डेवलपमेंट था, इतना साइंस था चीज़ों के पीछे। अगर आप किसी भी मॉन्यूमेंट में, दिल्ली के मॉन्यूमेंट में या आगरा के मॉन्यूमेंट में चले जाएंगे, वहाँ देखेंगे, उस टाइम पे इतना डेवलपमेंट था, तो आज के टाइम पे आप देखिए क्या डेवलपमेंट हो सकता है। तो वही है, विज्ञान हर जगह है, साइंस इज़ एवरीवेयर। कभी टाइम मिला तो फॉर श्योर आपको बाकी के मॉन्यूमेंट्स भी है, फॉर श्योर मैं अगर लंबे टाइम के लिए दिल्ली आई तो दिखाऊंगी। मुझे सच में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स को देखना, हिस्ट्री को जानना बहुत ज़्यादा। घूमना तो पसंद है फॉर श्योर श्योर, बट ऐसी चीज़ों को देखना और जानना कि वो लोग कैसे रहते थे और उन्होंने कैसे ये सब चीज़ें डेवलप करी, ये और ज़्यादा मुझे पसंद है जानना। एंड आई होप आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये सब कुछ देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेम ही है, एक ही जैसे तरीके से डेवलप किया हुआ है। चार मीनारे होती हैं साइड में, उसका मतलब होता है, अभी मुझे याद नहीं है बट श्योर मैं आपको बताऊंगी। और देन उसके बीच में उन्होंने मॉसिक टाइप का कुछ बनाया होता है, टॉम होते हैं, और अंदर अभी आप जाएंगे तो इन सब चीज़ों के अंदर उनका उनकी ग्रेव है। तो इस टॉम में सफदरजंग जो थे उनकी ग्रेव है, उनको दफनाया गया था यहाँ पर। और एक और चीज़, अगर आप किसी भी मॉन्यूमेंट में घूमने के लिए आ रहे हैं तो बेस्ट टाइम आपका विंटर्स में ही होता है, बिकॉज दिल्ली में अगर आप गलती से गर्मियों में आ गए तो आप गर्मी में परेशान हो जाएंगे, रेनी सीजन में आ गए तो रेन इतनी ज़्यादा होती है कि पूछो मत, तो सब कुछ ही हाइट पे ही रहता है आजकल तो दिल्ली में। तो बेस्ट टाइम इज़ विंटर में आइए, अपना धूप में तो घूमने में और ही मज़ा आता है ऐसे मॉन्यूमेंट्स को, है ना। घूमिए, इंजॉय करिए, पिक्चर्स क्लिक कीजिए एंड बस मज़े कीजिए। तो चलिए अब हम भी अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं इस ब्यूटीफुल शानदार आर्किटेक्चर के सामने। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं इस मॉन्यूमेंट के अंदर, जहाँ पे सफदरजंग का ग्रेव है, जहाँ पे उनको दफनाया गया था। यही अगर आप दूसरे मॉन्यूमेंट्स में जाएंगे, आगरा में भी सेम एग्जैक्टली यही आर्किटेक्ट यूज़ किया गया है जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, बट वहाँ पे पत्थरों पे नक्काशी की गई है, स्टोन कार्विंग विच इज़ अमेजिंग। और उसमें जो स्टोन्स लगाए गए हैं दैट इज़ उनको कट करके छोटे छोटे पीसेज में लगाया गया है। मैं तो आगरा बहुत बार जा चुकी हूँ तो मुझे बहुत पढ़ा भी है, क्योंकि शौक है तो पढ़ने का तो वैसे भी शौक है, तो ऐसी चीज़ें और मिल जाए पढ़ने के लिए तो बस मज़ा ही आ जाता है, तो काफ़ी पता है। ये इस तरह के पत्थर होते हैं जिनके अंदर स्टोन होते हैं, बट यहाँ के आई बिलीव स्टोन्स निकाल लिए गए हैं, ये खाली है, ये ऐसे स्टोन्स होते हैं।
और जब मुगलों ने यहाँ पे बनाया था और स्टोन्स लगाए होंगे तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं वो कितने एक्सपेंसिव स्टोन्स होंगे। तो वही है कि जितना बचाया गया उतना बचा लिया और अभी तो स्टोन्स बस कार्विंग नजर आती है, स्टोन्स नजर नहीं आते। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एंजल की फोटो ली जाए बट मैडम एंजल हमें फोटो नहीं लेने दे रही है। भागी जा रही, भागी जा रही, भागी जा रही। मम्मी है इंजू, मम्मी है। थक गया मेरा इंजू, इंजू थक गया शी। ओ आराम से, आराम से, आराम से। इंजू को गमी लग रही है, इंजू गाल लाल हो गए, सारे सारे गाल लाल हो गए शी इंजू दे। बबू ए बबलो मेरे पीछे इस तरह के आप ये डोर्स देख सकते हैं। यार ये डोर्स किस लिए बनाए होंगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बिकॉज आई सीरियसली वांट टू नो। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है ऐसी चीजों को जानने की ना, कि क्यों कैसे और क्या। ये चारों तरफ जहां जहां आप देखेंगे वहां वहां ऐसे डोर बना, ऐसे डोर्स बना रखे हैं इन्होंने। सो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया है तो देन प्लीज गिव बिग थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। बाय।